सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि उसके लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक हमारे पास फिंगरप्रिंट स्कैनर होना चाहिए और एंड्रॉयड फ़ोन या लैपटॉप कुछ भी होना चाहिए विद इंटरनेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और पास में मेरे घंटी के आइकन को भी दबा लो जिससे आपको हमारी नई नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले दोस्तों बैलेंस चेक करने के लिए मैं आपको बता दूँ, आपको अपने फ़ोन में अगर बैलेंस चेक करना है तो उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिस भी बैंक में आपका खाता है। जैसे मेरा खाता स्टेट बैंक में है तो मैंने डाउनलोड किया है भीम आधार ऐप। और आपको कंप्यूटर लैपटॉप में अगर चेक करना है तो उसमें भी हमें एक आईडी लेनी पड़ती है, लेकिन मैं फ़ोन में बता दूंगा आपको। फ़ोन में आपको भीम आधार SBI जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है, उसमें सिंपली लॉग इन कर लेना है और आपको उसके लिए बस आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। मैं फ़िलहाल में लैपटॉप में बता रहा हूँ, उसके लिए मैंने डिजिटल ग्रामीण सेवा पोर्टल में लॉग इन कर लिया है। और सबसे पहले हमें उसकी सर्विस पर ओपन करना है, उसके बाद हमें फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है APS ICI पर क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसीड टू पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद हमें अपनी बैंक चूज़ करना है, मैं स्टेट बैंक चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ हमें अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ हमें फिंगरप्रिंट डिवाइस जो मैंने बताया था मेरे पास मोरफो का है तो मैं उसे चूज़ कर लेता हूँ। आपके पास मंत्रा का है तो मंत्रा चूज़ कर लें और जी स्टार्टअप का तो स्टार्टअप चूज़ कर लें, मैंने मंत्रा चूज़ कर लिया है। यहाँ दोनों चेक मार्क लगा देना है और कैप्चर फिंगर पर क्लिक करना है और मैं अपना फिंगर मंत्रा डिवाइस पर लगा देता हूँ और इसने ये कैप्चर कर लिया है। यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। दोस्तों ये साइट थोड़ी बिजी चल रही है और नेटवर्क भी थोड़ा स्लो है, नेटवर्क स्लो है इसलिए मैं आपको दो बात और बता देता हूँ। इसे अगर हमें कैश विड्रॉल करना है तो या कैश विड्रॉल पर क्लिक करना है या बैंक का नाम चूज़ करना है, वहाँ आधार नंबर है और यहाँ जो जितने पैसे निकालने हैं हमें वो टाइप करने हैं और फिंगरप्रिंट डिवाइस चूज़ करनी है और यहाँ दोनों जगह चेक मार्क लगा देना और सबमिट पर क्लिक करना, वहाँ भी आपका कैश विड्रॉल हो जाएगा, सही हो जाएगी। तो यहाँ पर दिखाई देगा जहाँ आ रहा है बीइंग यूजिंग बाय अनदर एप्लीकेशन, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा जहाँ मैंने रेड लाइन से क्रॉस कर दिया है, यहाँ कुछ दिखाई देगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और पास में बोले घंटी का आइकन को भी दबा दो जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता है। सबसे पहले और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा।